पाकिस्तान अच्छी सरकार से डरने वाले नहीं है, भारतीय युवक को अंग्रेज जिंदाबाद। हम लोग ना दबने वाले हैं, हटने वाले हैं। इंस्पेक्टर नरेंद्र पटियाल की दिखी दबंगई, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर चलाए लात घूंसे। भारतीय युवा कांग्रेस का एक एक सिपाही इस तानाशाही रवैये से डरने वाला नहीं है। चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में बीजेपी के जो सांसद है चंडीगढ़ से किरण खेर, उनके घर का चंडीगढ़ युवा कांग्रेस की ओर से घिराव किया जा रहा है। JEE और NET नीट की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर, उसको रद्द करने को लेकर युवा एक साथ होकर जो घिराव कर रहे हैं। युवाओं की मांग है कि जो JEE है और नीट है उसकी परीक्षाओं को अभी कुछ समय के लिए रद्द कर दिया जाए। जो कोरोना वायरस का टाइम है, इसकी वजह से जो समस्याएं आ रही हैं, युवा पढ़ नहीं पाए हैं, जो भी समस्याएं हैं उसको एक अहम मुद्दा बनाकर युवाओं ने किरण खेर के घर का घिराव करना चाहा। सरकार जिस तरह से सरकार अपने बल का प्रयोग करके पुलिस का देकर के हमारी आवाज दबा रही है, भारतीय युवा कांग्रेस का एक एक सिपाही इस तानाशाही रवैये से डरने वाला नहीं है। चाहे हमारे पे जितने मर्जी पर्चे डाल दिए जाए, जितने मर्जी हमारे को जेल पे लगा दिए जाए, हम इस तानाशाही सरकार से डरने वाले नहीं है। हम पुलिस के तानाशाही रवैये से डरने वाले नहीं है। भारतीय युवा कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, अगली रणनीति ये रहेगी जिस हिसाब से सरकार आज अपने बल का प्रयोग करके पुलिस प्रशासन से हमारी आवाज दबाई जा रही है। हम लोग ना दबने वाले हैं, हटाओ यार, हटने वाले हैं। हम लोग यूथ कांग्रेस के साथ ही हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग पूरे भारत में ऐसी आवाज उठाएंगे। हम लोग हमें जितना दबाने ज्यादा की चंडीगढ़ के सांसद किरण खेर के घर का घिराव युवा कांग्रेस के कुछ नेताओं प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा था, उसको रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने 144 धारा लगी होने के कारण उनको रोका और उनको बस में भरकर थाने ले जाया गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं राहुल तिवारी, अर्थ प्रकाश न्यूज़ चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।